छह वर्षों से चल रहे सिंदरी डीएवी पब्लिक स्कूल के मैदान का विवाद अब खत्म हो गया। झारखंड हाई कोर्ट ने सिंदरी डीएवी पब्लिक स्कूल पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने स्कूल के प्लेग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री के निर्माण के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश धनबाद डीसी और एसपी को दिया है। दरअसल ये मैदान एफसीआईएल के द्वारा स्कूल प्रबंधन को दिया गया था, लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा लगातार इस मैदान पर दावा किया गया। जब भी स्कूल प्रबंधन बाउंड्री का कार्य कराने की कोशिश करता तो आदिवासी समुदाय इसका विरोध करते और फिर ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लगातार सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट का फैसला डीएवी के पक्ष में आया। एक्चुअली इसमें विवाद था नहीं, ये विवादित किया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के सामने दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया और न्यायालय ने जिस तरह से अपना आदेश दिया उसका अनुपालन जिला प्रशासन ने करना शुरू किया है। और धनबाद के जो डीसी हैं वरुण रंजन साहब, शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक और समर्पित उपायुक्त हैं। उन्होंने इस बात को बड़ी शिद्दत से लिया है। धनबाद के जो एसएसपी हैं संजीव कुमार जी, वो भी शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित हैं। बलियापुर थाना के जो थानेदार हैं सूबेदार जी, वो भी शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित हैं। तो शिक्षा के प्रति समर्पित समाज ने आज शिक्षा के इस मंदिर के प्रति अपना समर्पण दिखाया है और न्यायालय के आदेश का अनुपालन शुरू हुआ। मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा और बच्चे एक सुरक्षित कैंपस में खेलेंगे। आदेश हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश है और उसके आलोक में हम लोग को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। 4 दंडाधिकारी हैं और झरिया सीओ वरीय प्रभार में हैं। हम लोग उस काम को बाउंड्री और फेंसिंग का काम जो होना है उसको हम लोग पूर्ण करें। यहाँ लोकल थाना बलियापुर के हैं, गौशाला के हैं, सिंदरी के भी हैं और जिला प्रशासन की ओर से पुलिस लाइन से भी जवान का प्रतिनियुक्त हुआ है। जो चारदीवारी निर्माण कार्य हो रहा है वो शांतिपूर्ण हो रही है? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। वहीं सिंदरी थाना गौशाला ओपी और बलियापुर थाना के पुलिस बल के साथ 3 दंडाधिकारी और धनबाद सीआई की मौजूदगी में बाउंड्री वॉल का काम शुरू कराया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।